गुड मॉर्निंग। मध्यकाल की चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण शैली पाल शैली के बारे में हम इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मध्यकाल की दूसरी महत्वपूर्ण शैली जैन शैली के बारे में चर्चा करेंगे। जैन चित्रकला की ऐतिहासिक उपलब्धि 7वीं शताब्दी से है, जिसके प्रमाण सम्राट हर्ष के समकालीन पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय में निर्मित सित्तनवासल गुफा की 5 जैन मूर्तियां हैं। 15वीं शताब्दी से पूर्व के जितने भी समस्त चित्र उपलब्ध होते हैं, उन सब में प्रमुखता और प्राचीनता जैन चित्रों की है। ये चित्र दिगंबर जैनियों से संबद्ध हैं, जिन्हें अपने संप्रदाय के ग्रंथों को चित्रित कराने एवं करने का बड़ा शौक था। इन आरंभिक जैन कलाकृतियों को कुछ विद्वानों ने गुजराती शैली, कुछ ने अपभ्रंश शैली के नाम से संबोधित किया। 12वीं सदी के पूर्व जैन चित्रकला शिथिल पड़ गई थी और मुगल शैली की विकास अवस्था में तो उसका अस्तित्व सर्वथा ही मिट सा गया था। 12वीं सदी के बाद वह पुनर्जीवित हुई और यह एक विचित्र संयोग की बात है कि महमूद गजनवी के विध्वंसों के बावजूद जैन चित्रकला आबू और गिरनार के केंद्रों में अपने परिवेश के नवनिर्माण में अग्रसर थी। बाद में जैन चित्रकारों ने राजपूत और मुगल शैली से प्रेरणा ग्रहण कर अपने क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाया। इतना ही नहीं बल्कि जैन चित्रकला गुजरात की श्वेतांबर कलम से आरंभ होकर राजपूताना में वर्षों तक अपना विकास करती रही और बाद में ईरानी प्रभाव से युक्त होकर राजपूत कलम में ही विलयित हो गई। 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच और उसके बाद भी भारतीय चित्रकला की समृद्धि के लिए सर्वाधिक उल्लेखनीय योग जैन कलाकारों का रहा। इस युग में इन जैन ग्रंथकारों तथा चित्रकारों ने जिस निष्ठा और जिस एकाग्र भाव से चित्रकला की पूर्ण परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखा और भविष्य में राजपूत एवं मुगल शैलियों को जो नए प्रयोग एवं नए भाव विधान दिए, उनका विशिष्ट स्थान है। जैन कलाकारों की निपुणता का दर्शन ताड़पत्रीय पोथियों में देखने को मिलता है। स्थानाभाव के कारण इन ताड़पत्रीय पोथियों में उनके निर्माता कलाकारों ने अति सूक्ष्म रेखाओं में जिन विराट भावों को समाविष्ट किया है, उसका उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। श्रद्धेय मुनि कांति सागर का विशाल भारत में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला रहा। अपने इस बृहद लेख में उन्होंने ताड़पत्रों, वस्त्रों, कागजों आदि पर निर्मित चित्रों के चित्रकारों एवं ग्रंथकारों पर अच्छा प्रकाश डाला है। लगभग 1357 से 1500 ईस्वी के बीच बने कुछ उपलब्ध चित्रों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि उस समय के चित्रों में बड़ी सजीवता थी। सिद्ध हेम व्याकरण और काल कथा की अनेक ताड़पत्रीय पोथियों पर जो चित्र अंकित हैं, उनको देखकर तत्कालीन चित्रकला की श्रेष्ठता के संबंध में परिचय प्राप्त किया जा सकता है। जैन हस्तलेखों में उपलब्ध विज्ञप्ति पत्रों का इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साथ ही उनके द्वारा भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में जैनों द्वारा आश्रित चित्रकला के स्वतंत्र अस्तित्व का भी पता चलता है। ये विज्ञप्ति पत्र भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। वाशिंगटन की फेयर आर्ट गैलरी में सुरक्षित बसंत विलास नामक कृति अपने ढंग की संसार भर में चित्रकला की अनुपम कृति है। यह वस्त्र पर चित्रित है। मुनि कांति सागर के संग्रह के अतिरिक्त अनेक व्यक्तिगत संग्रहों और लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता आदि के संग्रहालयों में इस प्रकार के मूल्यवान वस्त्र चित्रों के नमूने देखने को मिल सकते हैं। नाहटा कला भवन बीकानेर में भी इस प्रकार के सुंदर वस्त्र चित्र सुरक्षित हैं। 14वीं और 15वीं शताब्दी का समय बड़ा ही क्रांतिमय समय रहा है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जहां भी जो हिंदुओं से संबद्ध कलाकृति देखी, वहीं उसको नष्ट कर दिया। ऐसे समय में जैन विद्वान ही ऐसे बचे थे जिन्होंने जी जान से परंपरा की रक्षा की। इन दिनों ताड़पत्रों का स्थान कश्मीर में बने कागजों ने ले लिया था। कागज को ताड़पत्रीय आकार में काट कर उस पर लेखन या चित्रण का कार्य संपन्न किया जाता था। इस युग के जैन कलाकारों, विद्वान मुनियों ने भी स्वर्णमय और रजतमय स्याही से मूल्यवान चित्रों एवं पोथियों का निर्माण किया। जैन शैली के विषय में उद्घाटन लेख 1913 में श्री हरमैन का था।
किंतु डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने वाले विद्वानों में प्रथम थे। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1942 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति पाई। इस कल्पसूत्र की प्रति के चित्रों का परिचय प्रकाशित करके उन्होंने कला आलोचकों में गुजरात क्षेत्र से विकसित कला शैली के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की। कालांतर में उन्हें बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, रति रहस्य तथा दुर्गा सप्तशती आदि सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए जो इस शैली के थे। ये ग्रंथ ऐसे थे जिनका न तो गुजरात से कोई संबंध था और न जैन धर्म से ही कोई संबंध था। अतः डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली का नाम लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिम भारत शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का नवीन नाम पश्चिम भारतीय शैली माना। स्वर्गीय नानलाल चमनलाल मेहता ने 1924 ईस्वी में गुजरात शैली के नाम से इस शैली का विवेचन रूपम नामक पत्रिका में प्रकाशित किया। स्वर्गीय मेहता के इस निबंध का आधार गुजरात में प्राप्त बसंत विलास की संस्कृत गुजराती मिश्रित एक काव्य प्रति थी। कपड़े की इस पट्टी चित्रित पट का लिपिकाल 1451 ईस्वी है। इस लंबे पत्रीनुमा पट पर 73 चित्र अंकित हैं। ये चित्र जैन धर्म से संबंधित हैं। स्वर्गीय मेहता ने इन चित्रों को गुजरात शैली के नाम से पुकारा। उन्होंने 1926 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में इन चित्रों का उल्लेख दिया। उन्होंने इस संबंध में स्वतंत्र रूप में एक अध्याय स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग ऑफ गुजरात लिखकर प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किए। इस चित्रित पट में काव्य के आधार पर बसंत की शोभा को अत्यंत सजीव ढंग से चित्रित किया गया है। 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी भारत में जिन सचित्र ग्रंथों को तैयार किया गया उनका विषय यद्यपि जैनेतर भी था, परंतु इन ग्रंथों का मुख्य विषय जैन धर्म था, इसलिए इन ग्रंथों के चित्रों की शैली का एक तीसरा नाम जैन शैली प्रस्तुत किया गया। इस नाम से सहमत होकर पर्सी ब्राउन तथा अन्य लेखकों ने इसे इसी नाम से संबोधित किया है। इन चित्रों को यह नाम इसलिए भी प्रदान किया गया कि यह विश्वास किया जाता रहा कि ये चित्र जैन साधुओं के द्वारा बनाए गए हैं। कालांतर में इस शैली के अनेक सचित्र ग्रंथ अहमदाबाद तथा गुजरात के बाहर मारवाड़, मालवा, पंजाब तथा पूर्वी भारत में जौनपुर उत्तर प्रदेश, अवध उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल के अतिरिक्त बर्मा तथा श्याम में भी प्राप्त हुए। इस शैली की जौनपुर में बनी कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति सारा भाई ने प्राप्त की। जौनपुर उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के पूर्व में स्थित है, अतः जो शैली पूर्वी भारत तक प्रचलित थी उसको पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से पुकारना ठीक नहीं और तारानाथ या डॉक्टर कुमार स्वामी का मत उपयुक्त नहीं है। कल्पसूत्र की इस प्रति का समय 1465 ईस्वी है और इस प्रति के लिपिकार पंडित कर्ण सिंह के पुत्र श्री देवीदास गौड़ कायस्थ हैं। गौड़ कायस्थों का निवास स्थान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग बंगाल तथा बिहार था। वे गौड़ कायस्थ जो उत्तर प्रदेश की ओर आ गए थे अब पुनः मुसलमानों के आगमन से पूर्वी भारत की ओर चले गए। जैसे बंगाल के पाल वंश के राजा देवपाल के लेखक कायस्थ थे ऐसा उल्लेख मिलता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह शैली गुजरात या पश्चिमी भारत तक ही सीमित नहीं रही और इसका प्रसार पूर्वी भारत तथा नेपाल में भी हुआ। इस प्रकार इस शैली के बारे में यह धारणा भी भ्रमपूर्ण सिद्ध हुई कि इसे एक सीमित क्षेत्र की कला मानकर पश्चिम भारतीय शैली या गुजरात शैली के नाम से पुकारा जाए। इसी प्रकार 1929 ईस्वी में श्री गांगुली ने बाल गोपाल सुति के वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों की सूचना दी जो इस शैली के थे। इसी प्रकार बसंत विलास और चौरा पंचशिखा आदि पोथियों के चित्र भी जैनेतर हैं। इस प्रकार यह शैली जैन धर्म के अतिरिक्त वैष्णव धर्म के ग्रंथों या जैनेतर ग्रंथों में भी प्रयुक्त हुई, अतः जैन शैली नाम भी सार्थक सिद्ध प्रतीत नहीं होता। अतः इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मोती चंद्र तथा राय कृष्ण दास ने इस शैली को अपभ्रंश शैली के नाम से पुकारना अधिक उपयुक्त समझा है।
उनका मत है कि यह शैली अपने निजत्व को खो चुकी थी और एक महान शैली अजंता शैली के विकृत रूप को प्राप्त थी, इसलिए इस शैली के लिए अभ्रंश शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा तत्कालीन विकृति को प्राप्त शैलियों या परिवर्तनशील कला प्रवृत्तियों की अभिव्यंजना हो सकती है। भारतीय साहित्य में यह काल प्राकृत भाषाओं की रचना का काल है। इस काल में डिंगल तथा पिंगल लोक भाषाओं ग्रामीण भाषाओं में वीर काव्य की रचना की गई। इस काल को साहित्य में वीर गाथा काल, चारण काल या अभ्रंश काल के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि इस काल में मूल संस्कृत भाषा में रचनाएं नहीं की गई और कालिदास की श्रृंगार काव्य परंपरा का रूप ही मिट गया। युद्ध की हाहाकार में राजपूत योद्धाओं ने अपने सौम्य और शांत रूप को त्याग कर मुसलमानों से देश को बचाने के लिए महाकाल का स्मरण किया और हर हर महादेव का नारा लगाया। इन योद्धाओं ने केशरिया बाने पहन मुंड मालाएं धारण की, कनपट्टी दाढ़ियां तथा शेर जैसी मूछें धारण कर अपने निजी देव रूप से भ्रमित हो विकराल महाकाल रूप धारण किया और हर और प्राचीन मान्यताएं परंपराएं भ्रष्ट हो गई। यही पतन कला और साहित्य में हुआ। इस शैली का संविधान यदि देखा जाए तो यह शैली अजंता शैली का भ्रष्ट रूप प्रतीत होती है। यह शैली हास को प्राप्त है और पूर्व विकसित कला परंपरा में अप्रगतिशील होने के कारण पहली दृष्टि में अजंता शैली से भिन्न लगती है। यह शैली अपनी मूल विशेषताओं को खो चुकी थी, इस कारण इस शैली का नाम अभ्रंश शैली उपयुक्त माना जाता है। अभ्रंश नाम के अंतर्गत पाल शैली, एलोरा की 10वीं तथा 11वीं शताब्दी के चित्र तथा जैन शैली सभी को रखा जा सकता है। कुछ विचारकों ने इसे मध्यकालीन चित्रकला परंपरा के नाम से भी पुकारा है। अपभ्रंश, ग्रामीण, ग्राम्या या तथाकथित जैन, गुजरात, पश्चिम भारतीय शैली को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। ताड़ पत्र वाले ग्रंथ चित्र जिनका समय प्रायः 160 ईस्वी से 1450 ईस्वी माना जाता है और कागज वाले ग्रंथ चित्र जिनका समय प्रायः 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी माना जाता है। इस शैली के कपड़े पर बने पट चित्र भी प्राप्त हुए हैं। जैन हस्तलेखों में उपलब्ध विज्ञप्ति पत्रों का भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ताड़ पत्र और कागज पर बने चित्रों में एक अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ताड़ पत्रों पर जो चित्र बनाए जाते थे स्थानाभाव के कारण उनमें रेखाओं की बारीकी और कलाकार की प्रतिभा का कौशल देखने को मिलता था, किंतु कागज पर बने चित्रों में यथेष्ट स्थान होने के कारण सूक्ष्मता एवं प्रतिभा की कमी आ गई। कागज की सुलभता के कारण चित्रों की सुगमता तो बढ़ती गई लेकिन उनमें वैशिष्ट्य का अभाव खटकने लगा। जैन शैली के चित्रों में आँखों की बनावट भी दर्शनीय है। यह चक्षु निर्माण शैली वस्तुतः जैन चित्रों की देन न होकर जैन शिल्प एवं स्थापत्य की देन है, जिसको कि जैन प्रतिमाओं में देखा जा सकता है। रंगों और रेखाओं की दिशा में भी जैन कलाकार बड़े सजग रहे हैं। ताड़ पत्रों पर अंकित जैन चित्र प्रायः पीत रंग के हैं, यद्यपि स्वर्ण को भी अधिक उपयोग में लाया गया है तथा कुछ चित्रों की पृष्ठभूमि लाल रंगों में है और वस्त्रों पर अलंकरण को अधिक स्थान दिया गया है। रेखाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है भावों को व्यक्त करना। इस दृष्टि से ताड़ पत्र के चित्रों में कलाकारों में जो सूक्ष्म रेखाएं अंकित की हैं वे इतनी सार्थक हैं कि कलाकार की प्रतिभा की प्रशंसा किए बगैर नहीं रहा जा सकता, किंतु कागज का प्रचार हो जाने के कारण रेखाओं के द्वारा भावांकन का जो उद्देश्य था वह जाता रहा। जैन शैली के सचित्र ग्रंथों में ताड़ पत्र वाले प्रमुख ग्रंथ हैं ओघ नियुक्ति वृत्ति, निषिद्ध चूर्णी, महावीर चरित्र, अंग सूत्र, कल्प सूत्र, नेमिनाथ चरित्र, कथा रत्न सागर और कागज वाले प्रमुख ग्रंथ हैं कल्प सूत्र, ज्ञानार्णव, वसंत विलास, पांडव चरित, रति रहस्य और बाल गोपाल स्तुति। श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित प्रमुख ताड़पत्रीय पोथियाँ हैं निषिद्ध चूर्णी, अंग सूत्र, दशवैकालिक लघु वृत्ति, त्रिशिष्टिलाका पुरुष चरित, नेमिनाथ चरित,
कथा सरित सागर, संग्रहणीय सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, कल्प सूत्र और स्वप्नाचार्य चरित्र जैन धर्म के अतिरिक्त प्रमुख ग्रंथ हैं बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, पांडव चरित, मार्कंडेय पुराण, बाल ग्रह, बसंत विलास। कल्प सूत्र की एक प्रति सारा भाई माणिक नाल को जौनपुर में प्राप्त हुई थी। कल्प सूत्र की इस प्रति का लिपि काल 1465 ईस्वी है। कल्प सूत्र की दूसरी प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई तथा तीसरी प्रति सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास लोमड़ में बताई जाती है। इसका लिपि काल 1415 ईस्वी माना जाता है। कल्प सूत्र की एक चौथी प्रति जौनपुर की है जो स्वर्णाक्षरों में तैयार की गई है और इस समय बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। कल्प सूत्र की यह प्रति सबसे उत्तम प्रति मानी जाती है। यह प्रति 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में तैयार की गई थी। कल्प सूत्र की एक अन्य प्रति अहमदाबाद में मुनि दया विजय के संग्रह में सुरक्षित है। यह प्रति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई है और स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है। मारवाड़ तथा गुजरात 9वीं शताब्दी से ही कला के केंद्र बन गए थे और इस शैली का यहाँ पर ही जन्म हुआ। 1451 की लिखी बसंत विलास की सचित्र काव्य प्रति, जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है, स्वर्गीय मेहता को 1924 ईस्वी में अहमदाबाद में प्राप्त हुई। यह चित्रित गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय का है। बसंत विलास की यह प्रति जन्म पत्री नुमा या कुंडली नुमा लंबे कपड़े पर लिखी गई चित्रित पट्टी है। इस पट्टी की लंबाई 436 इंच तथा चौड़ाई 9.2 इंच है और यह पत्री के बाएं ओर 1 इंच चौड़ा हाशिया है और दाहिनी ओर 0.75 इंच चौड़ा हाशिया है। बसंत विलास में वसंतागमन और विशेष रूप से फाल्गुन मास का वर्णन है। इस काव्य कथा में एक पति और पत्नी का प्रेम प्रसंग अंकित है जो कालिदास की महान काव्य रचना ऋतु संहार पर आधारित है। इस लंबी कपड़े की पट्टी या पत्री पर लिखाई के साथ साथ चित्र भी बनाए गए हैं। चित्रों में मानवाकृतियों की लिखाई में शक्तिशाली रेखा का प्रयोग है। इन चित्रों में चित्रकार ने वर्णनात्मक शैली अपनाई है और चित्रों की रंग योजना सरल है। लाल, पीले तथा नीले रंग का प्रयोग है। पृष्ठभूमि साधारणतया पीली है। स्त्रियों को साड़ी पहने चित्रित किया गया है और उनकी चोली में कोहनी तक आस्तीने हैं। यह बसंत विलास की प्रति मुसलमान शासकों के समय में गुजरात में लिखी गई। संप्रति यह पट्टी फ्रायर आर्ट गैलरी वॉशिंगटन में सुरक्षित है। इस समय की भवन कला पर मुसलमानी प्रभाव पड़ने लगा था और जौनपुर में हिंदू तथा मुसलमान कला के सम्मिश्रण से सुंदर भवन बनाए गए, किंतु इस चित्रावली पर मुसलमानी प्रभाव नहीं है। इस समय तक इस्लाम धर्म के सांस्कृतिक केंद्र ईरान की कलाकृतियों को एशिया में प्रसिद्धि तथा मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। इन सचित्र पोथियों का लिपिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ये पोथियाँ भारत में आज पाटन, बड़ौदा, खंबात, अहमदाबाद तथा जैसलमेर के निजी पुस्तकालयों या अमेरिका के बोस्टन स्थित संग्रहालयों में सुरक्षित है। पाटन के ग्रंथ भंडार में निषिद्ध चूर्णी की एक प्रति सुरक्षित है जिसका लिपिकाल 1100 ईस्वी है। इसमें अपभ्रंश कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। अंग सूत्र की 3 सचित्र प्रतियां तथा दशवैकालिक लघु वृत्ति की 1 सचित्र प्रति शांतिनाथ भंडार खंबात के संरक्षण में है। दशवैकालिक की यह प्रति 1143 ईस्वी की है। बड़ौदा के समीप एक जैन पुस्तक भंडार में 1161 ईस्वी के 7 ग्रंथ प्राप्त हैं। इन ग्रंथों में सुंदर चित्र बने हुए हैं जिनमें 16 विद्या देवियां, सरस्वती, लक्ष्मी, अंबिका, चक्र देवी आदि के चित्र हैं। शांतिनाथ भंडार में 1241 ईस्वी की नेमिनाथ चरित की भी एक सचित्र प्रति सुरक्षित है। इन उदाहरणों के अतिरिक्त कथा रत्न सागर के प्रति में भी चित्र प्राप्त
प्राप्त हुए हैं। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित 1390 ईस्वी की लिखी श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी के प्रति से भी चित्रकला का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। पाटन के शांतिनाथ भंडार में 1433 ईस्वी का कपड़े का चित्रित एक चित्रपट था जो पंच तीर्थ पट या पंच तीर्थी पट के नाम से विख्यात था, परंतु अब यह चित्र अप्राप्य है। इसकी एक अनुकृति इंडियन आर्ट लेटर्स में 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। बोस्टन संग्रहालय तथा गुजरात के श्री भोगीलाल जी के संग्रह में कागज पर लिखी हुई बाल गोपाल स्थिति और बड़ौदा के मंजूलाल मजूमदार की निजी पुस्तकालय में दुर्गा सप्तशती की पोथियां महत्वपूर्ण हैं। जोधपुर के किसी पुस्तकालय में पांडव चरित नामक ग्रंथ की 15वीं शताब्दी की लिखी गई एक प्रति बताई जाती है। इस शैली में जहां मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती जैसे वैष्णव ग्रंथों का निर्माण किया गया, वहीं रति रहस्य और कामसूत्र पर आधारित कामशास्त्र से संबंधित चित्र भी बनाए गए। इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अपभ्रंश शैली के चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।